बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फज़गुरूनी अज़कुरुकुम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दिस इज़ बिलाल लियाकत फ्रॉम मिस्टर एसईओ। और आज एसजीबी द एब्रीवेशन ऑफ स्मार्ट गेस्ट ब्लॉगिंग जिसकी सीरीज हमने स्टार्ट की है उसका इंट्रोडक्शन टू गेस्ट पोस्ट का सेकेंड लेक्चर है। आज फिर हम वेरी बेसिक लेवल के ऊपर आपको समझाएंगे कि गेस्ट पोस्टिंग एक्चुअली क्या होती है, उसका पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने रखेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो चीज हम लेके चलें आपके माइंड के अंदर एक स्ट्रक्चर एक स्केच बैठा हो, आपको समझना इजी हो जाए। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि ये बैकलिंकिंग हमने देखी थी पिछली वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि बैकलिंकिंग जो है इसका नाम गेस्ट पोस्टिंग है, पेड लिंकिंग प्रोसेस है ये एक जिसको गेस्ट पोस्टिंग बोला जाता है। तो ये पेड लिंकिंग प्रोसेस क्यों जरूरी है, किस वजह से इसकी जरूरत पड़ती है, फिर नेक्स्ट हम एक एग्जांपल के साथ इस पेड लिंकिंग प्रोसेस को देखेंगे। तो इस सारे प्रोसेस को शुरू करने के लिए हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे जाके आज का लेक्चर जो है वो प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। आज सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि ये जो पेड लिंकिंग प्रोसेस है ये क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि क्यों जरूरी है, क्योंकि ये अगर आपको इस चीज की समझ आ गई कि प्रोसेस है क्या, फिर शायद इसको एक्सप्लेन करते करते ही आप समझ जाएंगे क्यों जरूरी है। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और स्टार्ट लेते हैं जी आज का लेक्चर जो है हमारा, वो क्या है, पेड लिंकिंग प्रोसेस क्या है। या आज हम ये भी देखेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग के अंदर हाउ अ रीसेलर अर्न मनी इन गेस्ट पोस्टिंग। एक रीसेलर आप क्या कर रहे होंगे, यहां पे आपने एज अ रीसेलर एक्ट करना है। इस पूरे सर्कल के अंदर मैंने आपको बताया था कि पेड लिंकिंग प्रोसेस का मतलब है एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट को प्रमोट कर रही है। कोई वेबसाइट अगर प्रमोशन चाहती है उसको रिकमेंडेशंस मिलती हैं, लोग रिकमेंड, बैकलिंक का मतलब क्या है, किसी ने उसको रिकमेंड किया फला जगह से ये चीज ले लो, तो जिसको रिकमेंडेशन मिलती है वो एक ब्रांड बनता है, कि वो एक ऐसी चीज बनती है कि जिस पे लोग ट्रस्ट कर सकें। तो गूगल इस चीज को बड़ा अच्छा समझता है, इस वजह से हमें जो पेड लिंकिंग है ये करवानी पड़ती है। तो इसके प्रोसेस के अंदर क्या चीजें आएंगी, यहां पे मैं एक स्केच ड्रा करके आपको दिखाता हूं कि लास्ट वीडियो के अंदर भी, जैसा कि आप यहां पे देखें तो लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने ये चीज आपको समझाई थी कि ए वेबसाइट लिंकिंग टू बी वेबसाइट फॉर इट्स रैंकिंग, दैट्स द प्रोसेस ऑफ गेस्ट पोस्टिंग। तो यहां भी आज अगेन मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा जिससे कि आपको बड़ा इजीली समझ आ जाएगा कि गेस्ट पोस्टिंग के अंदर आपने क्या काम करना है, टोटल प्रोसेस कैसे काम करेगा। ये समझे जी, दो वेबसाइट्स हैं। इसका नाम वेबसाइट ए कर लेते हैं हम और इसको वेबसाइट बी का नाम दे देते हैं। अब वेबसाइट बी जो है ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके पास एक प्रोडक्ट है, फर्ज करें कि इसके पास वॉचेस हैं, कि मतलब ये बंदा क्या करता है, इसके पास घड़ियों के डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ये घड़ियां बेचता है। अब इसको क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए, इसके पास घड़ियों का बहुत सारा स्टॉक है। तो इसने अपनी वेबसाइट पे पेज बनाया, पेज बना के हर चीज वहां पे लिस्ट कर दी कि मेरे पास फलां फलां। इसने क्या किया, इसने अपनी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट ब्रांड की घड़ियां, उनकी प्रेजेंटेशन एक बहुत अच्छी बना के, पेजेस बना के, उनकी प्राइसेस लगा के लिस्ट कर दिया, आर्टिकल्स अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर दिए। अब विजिटर उसकी वेबसाइट पे अगर आए तो आगे देख सकता है कि कौन सी वॉच उसको लेनी है तो वो परचेज कर सकता है। अब मसला यहां पे क्या है कि ये वेबसाइट बी जो है एक नई वेबसाइट मार्केट के अंदर आई है। अब इसके पास विजिटर नहीं, इसको लोग नहीं जानते, इसका अभी ब्रांड नहीं बना इस वेबसाइट का, इस वेबसाइट की ग्रोथ नहीं हुई, इसको विजिटर्स नहीं मिल रहे। एग्जाम्पल समझिए, आप यूट्यूब चैनल है, नया चैनल है, उसको विजिटर्स नहीं मिल रहे, अभी उसको मेहनत करनी है, बहुत अच्छा कॉन्टेंट भी है, उसको मेहनत करनी है, उसको मार्केटिंग करवानी है अपने प्रोडक्ट की, अपने चैनल की मार्केटिंग करवानी। इसी तरह से वेबसाइट के अंदर भी कॉन्टेंट की आपको मार्केटिंग करवाना पड़ती ताकि विजिटर्स आपकी वेबसाइट तक पहुंच सके। अब इसके पास वॉचेस तो है लेकिन विजिटर नहीं है, अब ये क्या करेगा, अब इसका मोटिव ये होगा कि मैं कोई ऐसी वेबसाइट देखूं जिसके पास
बहुत सारा विजिटर, बहुत सारा ट्रैफिक आ रही हो जो कि वॉचेस के रेलिवेंट हो और वो वेबसाइट ब्लॉक की हो। दो पॉइंट्स यहां पे थोड़ा टेक्निकल समझना है आपने कि ये पर्सन क्या करेगा। फर्ज करें कि एक चैनल से मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि चैनल जो है यूट्यूब कॉन्टेंट हर पर्सन की लाइफ का पार्ट है। वीडियो की सूरत में हम कॉन्टेंट ज्यादा लाइक करते हैं, इसलिए मैं वीडियो के साथ एग्जाम्पल दूंगा कि आप समझिए कि एक चैनल है, उस दुकानदार ने चैनल बनाया है जिसके पास घड़ियां हैं। अब उसने नया चैनल बनाया, कोई सब्सक्राइबर नहीं है, कोई उसके पास व्यूअर्स नहीं है, बिल्कुल नया चैनल है। अब वो क्या करेगा, YouTube पे जाएगा, सर्च करेगा कि YouTube के ऊपर जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं लोग, जिनका काम सिर्फ क्या है कि एक शॉप के ऊपर जाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो वो उन पर्सन को टारगेट करेगा, उनको फोन करेगा कि यार मेरा इस तरह से चैनल है, मेरी दुकान है, आप मेरी शॉप को विजिट करें, मेरी शॉप की वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड करें, तो मैं आपको जितना आप चार्ज बोलते हैं मैं आपको पैसे देता हूं। तो इससे क्या होगा, जब वो दूसरे चैनल पे वीडियो, ब्लॉग वाले चैनल पे वीडियो जाएगी, अपलोड जैसे ही होगी, उसके पास बहुत सारा सब्सक्राइबर है, वहां पे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे होंगे जो वॉचेस लेना चाहते हैं। जब वो विजिट करेंगे, विजिट करके चैनल बी पे आएंगे, चैनल बी पे कंटेंट अगर अच्छा लगता है उनको, उसको भी सब्सक्राइब करेंगे, प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगी। समझ आ गया प्रोसेस आपको। इसी तरह से अब इसने एक ब्लॉग का चैनल की टारगेट किया, ये डिफरेंट ब्लॉग्स के चैनल टारगेट करेगा। यहां पे क्वेश्चन और आ सकता है कि हमें ब्लॉग के चैनल ही क्यों टारगेट करने हैं, तो उसका आंसर ये है कि ब्लॉग वाला पर्सन जो होता है उसका सेल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ब्लॉग वाला पर्सन, उसका मोटिव क्या होता है, उसने अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को सिर्फ चीज दिखा देनी है कि ये चीज है, उसका ब्लॉगिंग कर रहा है, ब्लॉग उसने ब्लॉग बनाया उस वेबसाइट के ऊपर और अपलोड कर दिया अपने चैनल पे। उसके पास वो घड़ियां नहीं है लेकिन किसी की वीडियो उसने अपलोड की है। इसका मतलब जिसका अपनी प्रोडक्ट नहीं है वो आपका कंपेटिटर नहीं है, उसके साथ आपका कंपटीशन नहीं है। अगर एक ऐसा पर्सन है, आप चैनल के ऊपर घड़ियां बेच रहे हो, तो दूसरा पर्सन आप ऐसा टारगेट करते हो जो वो भी घड़ियां बेच रहा है, वो आपकी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी कस्टमर चाहिए, उसको भी प्रोडक्ट सेल करनी है वॉचेस की। तो जब दोनों पर्सन आप देखेंगे टारगेट जिसको कर रहे हैं वो भी आपका कंपेटिटर है, तो फिर आपको वहां से लिंक नहीं मिलेगा। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि आपने ब्लॉग्स को टारगेट करना है जिनका मोटिव जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन वो अपलोड करें, इंफॉर्मेशन से आपको विजिटर आए और आपकी सेल जनरेट हो सके। ये एक प्रोसेस है। अब यहां पे ये तो प्रोसेस हो गया कि ये एक वेबसाइट बी है, इसने डिफरेंट वेबसाइट्स, जैसे ए वेबसाइट ब्लॉग की वेबसाइट है तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर थी, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बहुत सारे गैजेट्स थे इसके पास, तो गैजेट्स की ट्रैफिक आ रही है, इसने इसको टारगेट किया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब यहां पे ये तो ये वेबसाइट बी होगी, वेबसाइट ए आ गई, ये अब यहां पे रीसेलर कहां गया, हमने तो काम करना था एज अ रीसेलर, तो वेबसाइट ए बी इनका आपस में डायरेक्ट लिंक हो गया, तो रीसेलर कहां पे गया, तो यहां पे जनाब आपका है रीसेलर। ये है जी आपका रीसेलर। अब रीसेलर का काम क्या होगा, अब जब वेबसाइट बी ने वेबसाइट बनाई है ना, इस बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता कि ये वेबसाइट्स को खुद रीच करे, उनको मैसेजेस करे, उनके साथ बार्गेनिंग करे, सारा कंटेंट लिखवाए, फिर पब्लिश करवाए, इसके पास इतना टाइम नहीं होता, इसने प्रोडक्ट बेचनी होती है, ये पैसे वाला बंदा होता है, तो इसने क्या करना है, इसने इतना टाइम नहीं लगाना कि ये डिफरेंट आउटरीचिंग करेगा। ये क्या करेगा कि इसको कोई बंदा टारगेट रीच करता है कि यार मैं ना आपकी गेस्ट पोस्टिंग करवा सकता हूं, आपको बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की ब्लॉग की वेबसाइट से आपको लिंक दे सकता हूं जो आपके रेलिवेंट है। तो ये क्या करेगा, उस पर्सन को रिप्लाई करेगा। अब यहां पे समझेंगे आप ये टॉपिक कि इस पर्सन ने रीच किया ए बी वेबसाइट को कि मैं जनाब आपको बहुत अच्छा ब्लॉग का डाटा प्रोवाइड कर सकता हूं जो जिस पे आपकी पब्लिकेशंस होंगी, आप गेस्ट पोस्ट करवाएंगे और आपको अच्छी क्वालिटी के बैकलिंक्स, आपकी निश के रेलिवेंट मिलेंगे, आपकी कैटेगरी के रेलिवेंट मिलेंगे। अब ये बंदा इसको रिस्पॉन्स बैक करेगा कि ठीक है, आप मुझे ऐसा करेंगे वेबसाइट्स दिखा दें, अगर मुझे वेबसाइट्स अच्छी लगती हैं तो हम आपके साथ काम करेंगे। अब रीसेलर का आगे कॉन्टैक्ट होता है, रीसेलर का काम क्या है, इसने कॉन्टैक्ट करके रखना होता है। आगे वेबसाइट ए है, आगे वेबसाइट ए है, इसी तरह की जैसे वेबसाइट ए इसने एक फाइंड आउट की है, डिफरेंट वेबसाइट्स इसके पास होंगी, ठीक है जी, बहुत सारी वेबसाइट्स इस पर्सन के पास ऑलरेडी हैं,
जो कि ये इस पर्सन को जो कि शो करवा सकता है। इसका मतलब है इसके पास क्या होगा, एक डेटाबेस होगा बहुत स्ट्रॉन्ग, जिस जहां से ये मल्टीपल वेबसाइट्स के रिसोर्सेज इकट्ठे करेगा, फिर वेबसाइट बी को दिखाएगा कि यार ये देखो मेरे पास कितने सारे ब्लॉग्स हैं, आप इनको इनकी प्राइसेस ये हैं। फर्ज करें कि एक पर्सन वेबसाइट ए वाला है, ये आपको कहता है कि अगर मेरी वेबसाइट आपने इसके साथ रब्ता किया, कॉन्टेक्ट किया, इसने आपको बोला कि मैं आपको $20 चार्ज करूंगा और आपको एक लिंक दे दूंगा। अब आपने क्या किया, रीसेलर ने कॉन्टेक्ट किया, रीसेलर ने आगे प्राइस बता दी अपने कस्टमर को कि मैं $50 लूंगा, आपका काम गिर दूंगा, आपकी गेस्ट पोस्ट वहां पे लगेगी और सारी वेबसाइट किसी के आपने $30 कमीशन चार्ज कर दिया, 50 इवन दो हमारी गेस्ट पोस्टिंग इतनी भी होती है कुछ के उसके अंदर आप $400-$500 भी हाई अथॉरिटी की वेबसाइट्स के अंदर से आप प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। नॉर्मली भी अगर आप देखा जाए $50-$100 आप अर्न कर सकते हो एक बैकलिंक से, अच्छी क्वालिटी की वेबसाइट से, तो इतना इतना प्रॉफिट मार्जिन है इस फील्ड के अंदर। तो आपने क्या करना है, डिफरेंट वेबसाइट से कॉन्टेक्ट किया होता है, अब रीसेलर के पास डाटा मौजूद है, तो रीसेलर का काम क्या हो गया कि ये वेबसाइट ए और बी के दरमियान एज अ ब्रिज काम कर रहा है, कि जो कनेक्शन इनका आपस में बन रहा है वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, उसके अंदर एक रीसेलर का ब्रिज है। वो ब्रिज क्यों है, क्योंकि इन दोनों पर्सन को, जो वेबसाइट बी वाला पर्सन जिसके पास पैसा है, जो रैंक अप करना चाहता है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करे, फिर उसको राइटर्स चाहिए कंटेंट लिखवाने के लिए, फिर बैकलिंक हर चीज के लिए, तो वो सिर्फ एक पर्सन को ही टारगेट करेगा जो उसका सारा काम उसको करके देगा। तो आज की वीडियो काफी लंबी पहली हो चुकी है, आपने स्केच समझ लिया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि ये बैकलिंक का प्रोसेस कैसे होता है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, और बाकी के क्वेश्चन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।